जोड़े पहने हो। हम तो सबर कर रहे हैं अपने मियाँ के साथ, पर्सनैलिटी नहीं है, क्या जन्नत में यही वाला मिलेगा? कभी किसी इंसान ने या जिन्न ने चखा भी नहीं होगा। बाज हो रहे याकूत और मरजान की तरह जो है रंगत में सुर्ख होंगी। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। और बिंदास बोल में आज आपके सामने 10वां एपिसोड लेकर हम उपस्थित हैं, जिसमें हम आपके सामने इस्लाम की धारणाएं, मान्यताएं और उसके ऊपर मदनी द्वारा, जैसे लोगों के द्वारा हिंदुओं के दिमाग में और उनकी सोच में परावर्तित करके बाजियों बातों को कैसे रखा जाए, इसके षड्यंत्र को हम उजागर कर रहे हैं। और इसलिए हमने शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। इसके पहले हमने 2 वर्ष पहले जितेंद्र नारायण त्यागी बनने, जो पहले वसीम रिजवी थे, उनके साथ 26 एपिसोड किए थे 26 विवादित आयतों के बारे में। और इस बार हम इस्लाम की अन्य मान्यताएं, जो कि गैर इस्लामी लोगों को इस्लाम में लाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है और लोग आरोप लगाते हैं कि आतंकवाद जैसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए लोगों को जन्नत की लालच दी जाती है, ऐसा आरोप लगाने वाले मुसलमान ही हैं। ऐसे में इन सभी धारणाओं पर, और क्या है स्वर्ग और क्या है जन्नत, दोनों में फर्क क्या है, ये बातें भी लोगों के सामने जाए, इसलिए एक कंपेरेटिव स्टडी के तौर पर भी हम आपके सामने लगातार 10 दिनों से इन विषयों को रख रहे। आज का बिंदास बोल 10वां एपिसोड है, लेकिन 10 एपिसोड में भी अभी तक मौलाना मदनी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे साथ अन्य जो गेस्ट पैनल है वो हम रख रहे हैं और चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। पोल से प्रारंभ करते हैं कि क्या जन्नत के आकर्षण से आतंकवाद बढ़ रहा है, क्योंकि अब तो जिनके जीवन में अब इस वक्त क्या स्थिति है, गरीबी है, भुखमरी है या जो भी स्थिति है, इतना ही नहीं, इंजीनियर, डॉक्टर या पायलट भी अपने आप को उड़ मारते हैं, फिदायीन हमलावर होते हैं इस जन्नत की लालच में। तो क्या, हमने प्रश्न पूछा है, क्या जन्नत के आकर्षण में आतंकवाद बढ़ रहा है? 97% लोग हाँ कह रहे हैं और 3% लोग ही नहीं कह रहे, इतना बड़ा अंतर है। इतना बड़ा कैंपेन देश विदेश में, जिनको हिंदी भी ठीक से समझ में नहीं आती उनको तक कहा गया कि यहां पर पोल करो, ऐसे लोगों के पोल के ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप के उपरांत भी ये पोल 97% दिखा रहा है। अब आगे बढ़ते, अब चर्चा का प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उनके पास में जाऊं, इसके पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो के द्वारा हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज जन्नत में और जन्नत की चर्चा में केवल हमारा गेस्ट पैनल और हम बात करें ऐसा ही नहीं, जो आलिम है इस्लाम के वो जन्नत पर क्या कहते हैं वो वीडियो हम दिखाएंगे और हमारे गेस्ट पैनल के साथ उसका विश्लेषण करेंगे। पहला आज का ये वीडियो क्या कहा है, जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती, फुल ड्रेस्ड है। जन्नत की हूर ये नहीं कि वो किसी माँ के पेट में हमल होता है, फिर वो 9 महीने के बाद पैदा होती है, फिर वो फीडर लेती है, फिर वो पैंपर बांधती है, फिर वो रुड़ती रुड़ती है, फिर वो बड़ी होती है और फिर वो जाके हूर बनती है। ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए पैंपर पोनिया हमारे लिए है। वो तो मेरा रब तजल्ली डालता है, ऐसे निकलती है सूरज तो उंगली दिखा दे। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा, क्योंकि जन्नत की हूर और जन्नत का जो साइज हो 130 फुट है, तुम 5 फुट के चले गए तो जन्नत की हूर मौली जहीर को तो जेब में डाल ले, ये अंदर से कहेगा कैम छो कैम छो, वो कहेगी मुझे तो गुजराती समझ में ही नहीं आती, अरबी बोल। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की है। और इस मुद्दे पर मैं गेस्ट पैनल के पास चलता हूं, मैं स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे, जो कि पिछले एपिसोड में भी हमारे साथ थे, पहले शहर काजी रह चुके हैं मेरठ के, अब सनातनी विचारक है और देश दुनिया में अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं, पंडित महेंद्र पाल आर्य जी। आपका स्वागत है आर्य जी। आर्य जी आपका स्वागत है।
और हमारे साथ दूसरे इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जिन्होंने आज के कार्यक्रम में आने के लिए हाँ भरी है, अकील अहमद जी हैं। अकील अहमद जी, आपका स्वागत है। अकील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब हम इस्लामिक स्कॉलर और सनातनी स्कॉलर और इस्लाम के भी स्कॉलर रह चुके हैं महेंद्रपाल आर्या जी, इसलिए आज मैं चर्चा का प्रारंभ पहले उनसे करता हूं। शायद अकील अहमद जी अभी ठीक से जुड़े नहीं है। तो महेंद्रपाल आर्या जी, 130 फीट की हूर बताई गई है, क्या कहेंगे जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तारिक जमील ऐसा बता रहा है जैसा कि वो खुद नाप करके आया हो। और ये सृष्टि नियम के विरुद्ध है, प्रकृति नियम के विरुद्ध है। और ये सारा काम करने वाले कौन है? अल्लाह है। और उसी अल्लाह को हमारे ओम के साथ जोड़ा जा रहा है, दुर्भाग्य तो ये है। जिस ओम के साथ कोसों कोसों दूर तक कोई संपर्क और संबंध ही नहीं है, परमात्मा का ये काम ही है। परमात्मा का काम सिस्टम से होता है, निजाम से होता है, व्यवस्थित ढंग से होता है, तौर तरीका से होता है। बिना तौर तरीके का कोई काम परमात्मा का नहीं है। और ये कौन सा तौर तरीका है कि वो जन्नत के हूरे सूरज की तरफ उंगली कर देगी तो अंधेरा हो जाएगा? ये सब बेतुकी बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। और मतलब ये जो वीडियो अभी उन्होंने दिखा, आपने जो वीडियो दिखा है उसमें आपने दो आपत्ति ली, एक तो हूर के 130 फीट होने पे और दूसरा सूरज, हूर सूरज को उंगली दिखाए तो सूरज रुक जाएगा, ये दो पर आपने आपत्ति करी। हाँ वही तो, जो हूर की बातें आई है ना, हूर उसमें तो हूर नरीन आयत 56 सूरह नंबर 56 आयत नंबर 22 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, और वो बड़ी बड़ी आंखों वाली। हाँ जरा आयत भी दिखाते जाइए साथ साथ। हाँ बोलो। नहीं आप मत दिखाइए, इधर से कंट्रोल रूम से दिखाएंगे, आप बस दिखाइए। तीसरी बात उन्होंने कही कि वो डायरेक्ट बड़ी होगी, वो उसका जन्म होगा, डायपर लगाएगी, बड़ी होगी, ऐसा नहीं होगा, वो डायरेक्ट 130 फीट की ही आएगी। तो कहां से आएगी? तीन प्रश्न है मेरे। नहीं तो ये मैं वही कह रहा हूं कि सृष्टि के कुछ क्रम है कि नहीं है। तो ये सृष्टि नियम के विरुद्ध है। सृष्टि विज्ञान को इन लोगों ने जाना नहीं, इसलिए मैं इस पर वीडियो बनाया द क्रिएशन ऑफ साइंस करके, कि विज्ञान क्या है, जो सृष्टि विज्ञान क्या है। सृष्टि विज्ञान के अनुसार ही सारा काम परमात्मा का सिस्टम से होता है, बिना सिस्टम का कोई। चलिए अकील अहमद हमारे साथ जुड़े हुए, अकील जी आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी जी आ रही है आवाज। आपका स्वागत है। अभी हमने एक वीडियो दिखाया जिसमें यह कहा गया कि जन्नत की हूर 130 फीट ऊंची होगी, वो उंगली दिखाएगी, सूरज रुक जाएगा, और वो छोटी से बड़ी नहीं होगी, मतलब जन्म लेकर बड़ी नहीं होगी, डायरेक्ट 130 की होगी। ये तीन मुद्दे हैं जिस पर महेंद्रपाल आर्या जी असहमति जता रहे, आप क्या कहेंगे? जी जी जी, देखिए ऐसा है, ये जो आपने बताया मुझे अभी, ये जो हूर वाला मामला है, हाँ देखिए हमारा जो है, हम लोग जो है दीनी अखबार पे विश्वास करते हैं हम लोग। हाँ। और हमारी जो हदीस है ना, हम जो है मुस्लिम है, हम हदीस के आधार पे जो है चलते हैं, बोलते हैं। जो हमारे जो बुजुर्ग रहे पुराने, जो उलमा रहे हमारे जो है, वो इस तरीके का बयान करते हैं। लेकिन इसमें अब इसमें जो है सच्चाई कितनी है ये तो जो है, लेकिन जो जो आदमी गुजर जाता है उसके बाद जो है कब्र का हाल, वो मुर्दे को पता है ना कि क्या बीतरी है उसके। लेकिन जो हदीस की बात अगर मैं करूं, इस्लाम की बात मैं करूं, तो ये बात जो है हमारे जो मौलाना है, हमारे जो हजरत है, वो बयान करते हैं इन चीजों को। तो आप सवाल उठा रहे कि आप किसने देखा ऐसा आप कह रहे, तो मतलब हो सकता है कि वो गलत बोल रहे हो, ऐसा आपको कहना है? देखिए इस बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन हाँ। मैं इतना जरूर कहूंगा जो है कि वो देखा किसने है, हमारी जो कुरान है, कुरान में जो लिखा है वो बिल्कुल साफ साफ लिखा है हदीस में जो है, और उसी को आधार बना के, जैसे आप लोगों में जो है गीता है, गीता के जो
जो लिखी गई गीता, गीता के मानने वाले बहुत लोग जो है हिंदू लोग हैं वो गीता के आधार पर चलते हैं, इसीलिए मुसलमान जो है कुरान के आधार पर चलता है। देखिए तो हम गीता की कोई बात अवैज्ञानिक नहीं है कि उंगली दिखा दी और सूरज रुक गया, ऐसा नहीं है। इसमें उंगली दुखाई और सूरज रुक गया जैसी बात को कैसे आप इंडोर्स करेंगे? आप तो पढ़े लिखे दिख रहे हैं, नेता है और टीवी चैनल पर भी बैठते हैं, खुद आपका पहनावा भी गैर इस्लामी है, तो आप ऐसी बातों को कैसे इंडोर्स करते, सपोर्ट कैसा कर रहे हैं? नहीं, मैंने आपसे पहले कहा ना, मैंने आपसे ये कहा है कि हमारे जो हदीस में जो है, हमारी कुरान में जो हमारे है, हमारे हजरत हैं, वो इन चीजों को बयान करते हैं हम लोगों के बीच में जो है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है इसके साथ साथ कि देखो, मैंने आपसे क्या, कब्र का हाल मुर्दा जानता है कि उस पर क्या बीत रही है, और मरने के बाद किसको क्या पता है कि वहां क्या मिल रहा है। देखो इसमें कुछ लोगों को बुरा भी लगेगी बात मेरी, लेकिन सच्चाई तो यही है। नहीं कोई बात नहीं, आप अपनी बात कही है, बुरा भला लगना तो अलग बात है। इसका मतलब पंडित जी ये सहमत नहीं है पूरी बात से, तो इनका ईमान डगमगा रहा है ऐसा आपको लग रहा है? ईमान का दायरा यही है, ये बेचारे, वो तो मैं कल कहा ही था, ये भी उसी बात को कह रहे हैं कि ईमान का दायरा भी उसमें जो लिखी गई है उसको बगैर चूचना किए मान लेना है, तस्लीम करना है। कुल्लु मा जा बिर रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बताया अल्लाह की तरफ से उसको बिना छानबीन किए मान लेना, ये अपना अटकल नहीं लगा सकते। अब 130 फुट की एक महिला तैयार हो जाए बिना कारण, और इस पर ये टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं बोला नहीं, ये तो अकल से पैदा है। इस्लाम ही नहीं, ये जितने मत मजहब वाले हैं सब अकल से पैदल हैं। ये अकल का कोई काम इनके पास नहीं है, ना अकल से ये चलते हैं ना अकल से काम लेते हैं। इनको जो बात लिखी गई, जो बात बता दी गई, वही ईमान है। आमंतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअ्थ बादल मौत, इसी पर ही ईमान है, यही ईमान, इसको ईमान कहा गया है। तो इसको बगैर चूचरा किए तस्लीम करना है, तस्लीम करने का नाम ईमान है। अब जैसा अभी तारिक जमील का आपने सुनाया, मौलाना जमील का पाकिस्तानी है, जो उसने बोला 130 फीट हूर बन करके तैयार हो जाएंगी, और ये नहीं कि वो मां के उधर से आएंगी और ये आएंगी उसका डेवलप्ड होगा ये होगा, नहीं कोई सवाल नहीं, 130 फीट लंबी और वो सूरज की तरफ उंगली दिखाती तो सूरज अंधेरा हो जाएगा। तो ये जो बातें हैं इनको तो कोई क्वेश्चन किए बिना मानना होगा। इन तो इन्होंने तो इस्लाम के पास दिमाग को गिरवी रख रखा है, ये दिमाग से चल नहीं सकते, दिमाग से काम नहीं कर सकते हैं। दिमाग इस्लाम के पास गिरवी है, इस्लाम ने दिमाग खरीदा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये बातें कहने वाले कौन है? ये बातें कहने वाले अल्लाह है, जैसा मैं अभी बोला ना, वह हूरुल ईन, अल्लाह ने कहा वो बड़ी बड़ी आंखों वाली, या अल्लाह कह रहे हैं कि यही जन्नत में मुहैया कराए जाएंगे बड़ी बड़ी आंखों वालियों को। और हम उमर औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें, और यहां तक उसमें बताया गया है कि वो रेशम के कपड़ा पहने हुए होंगे, और रेशम के कपड़ा दुनिया में पहनना हराम है, जन्नत में उन महिलाओं को, उन हूरों को रेशम की कपड़ा पहनाए जाएंगे, और जिससे पूरा तन दिखाई दे। अब दुनिया वाले दिमाग से ये तस्लीम कर रहे हैं कि शर्म हया नाम की कोई चीज वहां होगी या नहीं। चलिए एक और वीडियो दिखा के मैं आपके पास पुनः आता हूं, एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें अजहरी क्या कह रहे हैं। सुनिए, मैं आज उनका वीडियो दिखाकर प्रतिक्रिया ले रहा हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं शब्दशः बताया जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जन्नत में एक एक हिस्सा कितना मिलेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ अहादीस में यह फरमाएगा, किसी अदना जन्नती को, यानी सबसे छोटा जो है, उसे एक महल ऐसा दिया जाएगा जिसमें 70,000 खीमे लग सकते हैं, और फिर हर खीमे में, हर खीमे इतना नहीं कि छोटी छोटी झोपड़ी लगाई जाएगी,
हर खीमा 70,000 लोगों को संभाल सकता है, एक छोटे जन्नती को ये दिया जाएगा, और बाकी फिर परहेजगारों को, औलिया कामिलीन को और अंबिया को क्या दिया जाएगा वो अल्लाह बेहतर जाने। ये जन्नत का जिक्र भी आया, और दो जन्नतें दूंगा, कैसी हैं वो अल्लाह फरमाता है, फीहिमा ऐनानी तजरियान, जिसमें जो है दो दो चश्मे बहरे होंगे, फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान, हर फल जो है ना दो किस्म का मिलेगा तुमको वहां पे, जो चीज भी देखोगे डबल तुम्हें दी जाएगी। ये बास उन लोगों की फजीलत में आया जो खौफे खुदा रखते हैं, अल्लाह की खशियत, ये मेन चीज है हमारी जिंदगी में, अल्लाह का खौफ, बाकी कोई चीज हमें नहीं सुधार सकेगी अल्लाह के डर के अलावा। और मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक, अब अल्लाह ताला उनकी कैफियत बता रहा है, जन्नती जब वहां बैठे होंगे कि उनके जो बिछोने होंगे इस्तबरक के, और वो इतने नरम कि उनके पैर उसमें धंस रहे होंगे, और वो टेक लगा करके मसहरियों पर बैठे होंगे, मसनदों पर, और फिर उनके मुतालिक रब ताला फरमाता है ऐसी नेमतें वो वहां इस्तेमाल करेंगे, लम यतमित हुन इंसुन कबलहुम वला जान, कभी किसी इंसान ने या जिन ने चखा भी नहीं होगा, वो आज तक किसी ने वो चीज न देखी होगी न सुनी होगी उस तरह की दुनिया में, वो चीजें मैं जन्नतियों को अता करूंगा। फिर उसके बाद जो नहरें बह रही होंगी उनकी भी फजीलत में, उनकी तारीफ में अल्लाह ने बयान फरमाया, हूरुम मकसूरात उन फिल खियाम, हर खीमे में बड़ी खूबसूरत हूरें दी जाएंगी। हूर किसे कहते हैं? वो एक अल्लाह ने बनाई एक मखलूक है, वो जन्नतियों की पाकीजा बीवियां हैं, और ये भी हदीस पाक में है, अदना जन्नती को कम से कम 70 हूरें दी जाएं। तो इसमें तो कई और अधिक प्रश्न उठ गए हैं, पंडित जी के पास चलते हैं। पंडित जी, इसमें तो समस्या और बढ़ गई इस वीडियो के बाद, बिल्कुल सवालों में घिरे हुई है, मैं बता तो रहा हूँ। हाँ। और वो कहीं नहीं, वह वहाँ कुरान ने खुद कहा जज़ाउम बिमा कानू यअमलून, वो उनसे मजा करेंगे। अब ये बात अल्लाह कह रहे हैं, अफसोस मुझे इस बात की है, और इस्लाम से मैं अलग होने का मेरा कारण भी यही है कि ये सब बातें अगर अल्लाह की हैं तो अल्लाह के लिए ये उपदेश दिया जाना ये मानवता के पक्ष में है या मानवता विरुद्ध है? यही तो बताया गया, कमसालिन लूलू मकनून, जैसे एहतियात से रखे हुए मोती, जदाम बिमा कानिया मालूम, ये बदला है उनके नेक आमाल का, ला यस्मऊन फीहा लगवम वला तासीम, वहां ना तो बेहुदा बातें सुनने और ना गुनाह की बातें होगी, इल्ला कीला सलामुन सलामा, और अल्लाह ताला उन जन्नतियों को सलाम करेंगे। अब इससे दुनिया वालों को ये अंदाजा लगाना है कि अल्लाह बड़ा है या इंसान बड़ा है, इंसान को अल्लाह सलाम करेंगे? समझ में नहीं आ रही मामला क्या है। अब अल्लाह ने सलाम किया, सलामुन अला इब्राहिम, अल्लाह ने इब्राहिम को सलाम किया, और कितने पैगंबरों को अल्लाह ने सलाम किया। तो यहां हम दुनिया में क्या देखते हैं, छोटे बड़ों को सलाम करते हैं या बड़े छोटों को सलाम करते हैं? जबकि हमारी यहां मान्यता दोनों की है कि इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो अल्लाह की बात है, जो सृष्टि करता बताया जा रहा है, जो दुनिया का कायनात का बनाने वाला बताया जा रहा है, उससे बढ़कर के और कोई नहीं है, या अल्लाह अकबर कह भी रहे हैं वो सबसे बड़ा है। तो जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो इसका मतलब उसका मानव को सलाम करना, पैगंबर को सलाम करना, जन्नतियों को सलाम करना, ये कितनी बेतुकी बातें हैं, ये कितनी फुहड़पन की बातें हैं, ये कितनी हास्यास्पद बातें हैं। वैदिक संस्कृति में इसी से रोका कि वैदिक संस्कृति में कहा गया, अरे परमात्मा के बारे में तुम्हें ध्यान ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो कौन है परमात्मा। ओम सनो बंधुर्जनिता समिधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यात्रा देवा अमृतमान शाना स्थिति धाम धैर्य धैर्य
वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक सब लोगों का नाम स्थान और जन्मों को भी जानता है। क्यों? कि वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है। इसलिए सब मिलकर उसी की उपासना करो। वो सबका गुरु है तो गुरु शिष्यों को सलाम करेगा। क्या बेतुकी बातें हैं। और अभी हमारे हम मैं आता हूं आपके पास, हमारे साथ जो मुस्लिम स्कॉलर है आप उनके पास अकील अहमद जी के पास चलते हैं। अकील जी, इस इस्लामी स्कॉलर ने जो बातें कही, क्योंकि तो दीनी आदमी है, इस पर आप कितने सहमत है कितने नहीं है? देखिए, ये जो बोल रहे हैं ये पंडित जी हैं, मुस्लिम रह चुके पहले क्या है? हाँ, इससे पहले मुसलमान थे। आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ इनकी क्या प्रॉब्लम है पंडित जी की? पंडित जी नहीं, ये शहर काजी थे पहले, मेरठ जैसे बड़े शहर के। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने जो है धर्म को दूसरा कर लिया, अपने मुस्लिम से जो है हिंदू हो गए। हाँ, तो उनको ये बातों में लगा कि ये सही नहीं है। उन्होंने अभी कहा कि उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा, कि अनसाइंटिफिक बातें लग रही थी। नहीं, मैं तो इस चीज को नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा जो हमारे इस्लाम में हदीस में है वही सत्य है, जो हमारे इस्लाम में हदीस में लिखा गया है। और देखिए एक बात और है, अभी जो मौलाना बयान कर रहे थे, मैं ये उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि इस्लाम जिन्होंने पढ़ा है, हदीस जिन लोगों ने पढ़ी है, वो उसके बारे में वही जानते हैं। हमने तो पढ़ी नहीं हदीस पूरी, ना हमने जो है पूरी उसमें कुरान शरीफ पढ़ी, तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना ज्यादा कुछ जो है। लेकिन जो वो बयान कर रहे हैं जो है, ऐसे बयान मौलाना अक्सर करते हैं, हजरत लोग ऐसे करते हैं, तो जो इस्लाम में हमारे होगा हदीस में होगा उसी के मुताबिक मुस्लिम धर्म चलता है आगे। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपने कहा आपने पूरी कुरान तक नहीं पढ़ी है। जो जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हदीसें हैं, हदीसें बहुत 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 किताबें हैं हदीसों की ना, जो जो मौलाना लोग हैं हमारे, ये हदीस पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, दोहराते हैं उसको जो है, तो यही लोग बयान करते हैं। मैं मुस्लिम धर्म से जरूर हूँ, लेकिन मैंने जो है बचपन से किताब कुरान शरीफ नहीं पढ़ी, मैं आपको बताऊँ सही, तो मुझे इसके बारे में गुरु मुस्लिम धर्म के गुरु कैसे हो गए तो आप मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर बैठे हुए यहाँ पर। जी जी, अब आपके देखिए मेरी बात, मैंने आपसे ये तो नहीं कहा, मैंने आपसे ये तो नहीं कहा, इनका आवाज ठीक नहीं आ रहा है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ जितना मुझे मालूम है, मैंने आपसे बोला उतना ठीक है, आप अपनी बात कहिए, हम आप जो भी कहेंगे उसको दिखाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपने जो कहा वो बाकी लोग भी देख रहे हैं कि आप जैसा, आप शायद राजनेता है जहां तक मुझे आपके पीछे का पोस्टर दिख रहा है। ये आप किस पार्टी से हैं? हमारी पार्टी है आम इंसान विकास पार्टी, नई पार्टी। अच्छा ठीक है, तो आप राजनेता है, चलिए इंसान का परिभाषा क्या है, इंसान का परिभाषा पूछिए इनसे, इंसान पार्टी कर रहे हैं आप बताए इंसान में दखल नहीं है तो इंसान काय का है? परिभाषा आपको मालूम है, आप तो जो है वो रहे हैं मुस्लिम जो है, आप बड़े हजरत रहे बता रहे हैं, मुस्लिम मौलाना रहे, आप शहर काजी रहे, आपको जानकारी होगी क्या है इंसान। आपने आपके पार्टी का नाम इंसान रखा है ना, तो इस्लाम इंसान का मतलब क्या है वो पूछ रहे हैं। इंसान का मतलब है कि सब इंसान, आम इंसान, हिंदुस्तान में दुनिया में आम इंसान पार्टी का मतलब यही है कि आम इंसान, जिसमें सारे जाति धर्म के लोग जो है सबको बराबर सम्मान। नहीं, हिंदू इंसान नहीं होता। महेंद्र पाल आर्य जी आप बताइए, महेंद्र पाल आर्य जी थोड़ा बताइए। इस्लाम ने गैर मुस्लिम को इंसान नहीं माना। हाँ, मन काना अदुवल लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाहा अदुवल लिल काफिरीन। जो अल्लाह को नहीं मानता, जिब्रील मीकाइल नामी फरिश्ता को नहीं मानता, वो सब के सब काफिर हैं, इस्लाम से बाहर हैं, उनको खारिज कर दिया गया। ये तो अल्लाह कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इंसान पार्टी, जो इंसान बोले, इंसान का परिभाषा ये नहीं बोल पा रहे हैं। इंसान क्या है? मैं यहाँ लफ्ज इंसान किसको कहा गया, लफ्ज इंसान किसको कहा गया, कौन है इंसान? क्या हाथ पांव आंख कान नाक धर्म रखने वाला इंसान है?
या खाली टोपी पहनने से इंसान है या दाढ़ी रखने से इंसान है? कौन है इंसान? इंसान किसको कहा? पंडित जी अब आपने बोला, मेरी बात भी सुनिए अब आपने। हाँ बिल्कुल सुनूंगा साहब जी। जी वो क्या कह रहे हैं कि वो अल्लाह को मानने वाला जो आपने बताया, मैंने अपनी पार्टी का नाम रखा आम इंसान विकास पार्टी, तो मेरे लिए जो है सारी जाति धर्म के लोग बराबर हैं। मैं सारे धर्मों का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और सारी जातियों के जो लोग हैं हमारे लिए कोई अलग नहीं है। जो है हम किसी को अछूत नहीं मानते, जो है जैसे और लोग जो है पार्टी में है वो दलित को अछूत मानते हैं, उनको मंदिर तक नहीं जाने देते, जो है वो चीज हमारे पास, हम उस चीज के बिल्कुल खिलाफ है। हमारे लिए सब लोग बराबर हैं और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अपने कर्म उसके साथ जाते हैं। जैसे कोई कर्म करेगा जो है, चाहे वो कोई हिंदू करे मुसलमान करे कर्म, वो कर्म उसके साथ जाते हैं। जो है मेरा मानना इतना है। जो है नहीं आप हाँ, मिक्स तो बातें आप बोल रहे हैं। एक मिनट मैं माननीय चौहान साहब इनको बोल रहे हैं, ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। अल्लाह ने दूसरे किसी को धर्म नहीं माना। इन दीन इंदल्लाह इस्लाम وَمَنْ يَبْتَقِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا, یہ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو مانو تو اس کی گنجائش نہیں ہے, اس کی مانتا نہیں ہے, وہ کافر کے کافر ہیں, تو پھر آپ نے اور دھرم کس کو مانا؟ جب اسلام خود کہہ رہا ہے, قرآن خود کہہ رہا ہے, اللہ خود فرما رہے ہیں اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا کوئی دھرم نہیں ہے, تو آپ دھرم کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کو دھرم بول رہے ہیں آپ؟ نہیں دھرم کیوں نہیں ہے, یہ تو کہنا غلط ہے۔ میں تو आपसे जो है बिल्कुल ये बात कहूंगा स्पष्ट, जो है अगर कोई ये कह रहा है कि जो है मुसलमान ही जो है इस्लाम जो है मुसलमान ही इंसान है, तो ये कहना गलत है। जो है जो ऐसी बयानबाजी अगर करते हैं कुछ तो, नहीं नहीं कोई बयानबाजी नहीं, ये कुरान में लिखा हुआ है ना, ये तो कुरान अल्लाह कह रहे हैं। कुरान में कहा साफ लिखा है इस्लाम दीनन, जो इस्लाम से इतर है गैर है उसको इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। अगर तुम मानते हो उसे तो तुम घाटे में हो, तुम दीन के नजदीक नहीं आ पाओगे। अल्लाह ने साफ मना किया है, यहां आप इस्लाम को छोड़कर किसी और को धर्म कह ही नहीं सकते। जब कुरान आप ऐसा है आकिल अहमद जी, फिर तो आप तो आधे भी मुसलमान नहीं है, फिर तो आप तो हिंदू हो गए। आप अगर ऐसा आप कह रहे तो आप हिंदू हो गए। इनके कहने से हिंदू थोड़ी हो जाऊंगा मैं? नहीं इस्लाम के कहने से हो गए। नहीं इस्लाम के कहने से मैं कैसे हो जाऊंगा हिंदू से? मैंने क्या कहा आपसे? मैंने ये कहा कि हम सब जाति धर्म के लोगों का आदर सम्मान करते हैं और हम सभी धर्मों का जो है अदब करते हैं। हाँ तो बाकी धर्म ही नहीं है ऐसा कहा जा रहा है ना? क्यों नहीं है धर्म? अपना अपना धर्म, सबका अपना अपना धर्म। अच्छा जी महेंद्र बाल जी, जरा आप वो हदीस सुनना, सूरह कितने नंबर का है पढ़िए जरा। सूरा अल इमरान हाँ आयत नंबर 85 हाँ सूरा अल इमरान आयत नंबर 85 में देखिए, सूरा अल इमरान आयत नंबर 85 लगा के जो फट से सूरा अल इमरान आयत नंबर 85 में देखिए, यहाँ पर ये क्या बताया है, हाँ अभी आएगी। हिंदी वाला आप भी दिखा दो। चलिए मैं तब तक एक वीडियो दिखाता हूँ, आप निकाल लीजिए क्योंकि अचानक इसकी बात हुई है, तो एक और वीडियो देख लेते हैं। क्या कहते हैं मोहम्मद मुफ्ती सलमान अजहरी, क्या कहते हैं सुनिए। और उन हूरों की खूबसूरती के मुतालिक फरमाया गया कि दुनिया का पूरा हुस्न मिलाया जाए तो वह एक हूर के खूबसूरती के बराबर नहीं हो सकेगा। अल्लाह ने इतनी हुस्न जमाल वाली वो हूरों को बनाया, बड़ी आंखों वाली, हत्ता के उनके जिस्म को चांदी से ज्यादा चमक बताया गया। फिर अल्लाह ताला वहां के खीमों की, वहां की नियामतों की बहुत सारी बातें जिक्र फरमाई। अब सूरह वाकिया में भी यही है, ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ। जन्नती टेक लगाकर ऐसे बैठे होंगे कि आपस में एक दूसरे के आमने सामने होंगे और वो अपनी बातों में मशगूल होंगे। सूरह यासीन में भी है ये, अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अस्हाबल जन्नति अल्यौमा फी शुगुलिन फाकिहून,
हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकीउन। कई जगह पर ये आयतें आई हैं जन्नतियों की तारीफ में अल्लाह ताला बयान फरमाता है। अब सुनिए जन्नत की सबसे बड़ी नियामत क्या है। जन्नत में दाखिल होने के बाद अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए हुक्म फरमाएगा, अब यहाँ पर तुम्हें न इबादत है, न रोज़ा है, न ज़कात है, न हज है, कोई इबादत नहीं, सिर्फ आराम ही करना है, सिर्फ आराम करना है। और फिर उसके बाद उन्हें आज़ाद छोड़ा जाएगा, तुम जहाँ जाना चाहो जन्नत में फिरो, घूमो और हर नियामत चखो। उसके बाद हदीस पाक में जन्नत की सबसे बड़ी नियामत यह है कि अल्लाह तबारक व ताला बेहिजाब अपना दीदार कराएगा। ये सबसे बड़ी नियामत है, सबसे वजूहुन यौम इदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। वो चेहरे क्या ही खूबसूरत होंगे, हरे भरे होंगे, जो अपने रब को बेहिजाब देख रहे होंगे, बेहिजाब अपने रब के दीदार में मसरूफ होंगे। और मेरे अजीजों, जन्नत में जब कोई जन्नती पहुंच जाए तो वो जब ख्वाहिश करे सहाबा इकराम से मिलने की तो उसे वहां ले जाया जाएगा, अंबिया इकराम से मिलने की वहां ले जाया जाएगा। अगर बंदा जन्नती ख्वाहिश करे मैं नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हूँ, फरिश्ते उसे वहां पर भी पहुंचाएंगे। ये नियामतें क्या कम हैं हमारे लिए। लेकिन अगर कोई जन्नत में जाने से रह गया, अल्लाह अकबर, अगर दाखिल होने से रह गया तो ये जितनी चीजें सुने हैं ये सब हवा हो जाएंगी। तो चलिए मैं पंडित जी के पास चलता हूं। पंडित जी, अभी आप दिखा रहे थे कि क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपके व्हाट्सएप में भेज दिया हूँ, आपके व्हाट्सएप में देखिए, हाँ वही आयत भेज दिया हूँ। ठीक है, तो वो आयत अभी हम इस पर आते हैं जो वीडियो में अभी इसमें कहा गया है, जो चाहिए मिलेगा। मिलेगा तो वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने साफ कहा है कि वो अल्लाह के आमने सामने होंगे, अल्लाह के रूबरू होंगे, अल्लाह के नजदीक होंगे। इसका मतलब स्पष्ट है, दुनिया वाले भी अच्छी तरीके से जान ले, समझ ले इस बात को कि अल्लाह शरीरधारी है, अल्लाह एक व्यक्ति विशेष का नाम है। अल्लाह जो डिक्टेटरशिप चलाते हैं, जो शक्ल सूरत वाले हैं, और यही वही जन्नती अल्लाह के दीदार करेंगे, ये है अल्लाह का वर्णन। और वेद में अचुक्रम अकायम शब्द आया है, परमात्मा की कोई काया नहीं, कोई शक्ल सूरत मतलब नहीं। मतलब जो निराकार की बात करते हैं यहाँ आकार आ गया है, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं क्यों कह रहा हूँ, आपने अजहरी से भी तो सुना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद कह रहा है। तो जरा मैं एक बार जरा मुद्दे पे छूटना जा आगे बढ़ता हूँ। ये महेंद्रपाल जी ने मुझे भेज दिया, इसलिए मैं मेरे मोबाइल से कहूँगा कि कैमरामैन जरा इसको क्लोज करके दिखाएं, क्योंकि हमारे अकील भाई या जो भी बाकी लोग हैं उनको ये ना लगे कि हम क्या कह रहे हैं। ये देखिए, ये अकील जी जरा इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ये आयत में यहां दिखा रहा हूं और ये इसका स्क्रीनशॉट में भी लाइव को डाल रहा हूं। तो अब हाँ मैं अब इसको पढ़ता हूं। तो इसमें कहा गया है कि और हम उसी यकद खुदा, और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दिन की ख्वाहिश करे तो उसका वह दिन हरगिज कबूल न किया जाएगा और वह आखिरत में सख्त घाटे में रहेगा। हाँ चलिए, मुस्लिम स्कॉलर की एक बार प्रतिक्रिया लेके आगे बढ़ते हैं। हाँ अखिल जी, ये जो आप पूछ रहे थे कि अल्लाह ने कहा कहा है, ये मैंने आपको अभी दिखा दिया जी। अब आप अल्लाह को क्या कहेंगे? अल्लाह को क्या कहेंगे? अल्लाह झूठ बोला है या आप झूठ बोल रहे हैं, आप इस पे फैसला कर लीजिए। हाँ, क्या अल्लाह की कलाम झूठी है या आप झूठ बोल रहे हैं, सभी धर्म चिल्ला रहे हैं? अल्लाह की कलाम तो सच्ची है, अल्लाह की कलाम झूठी हो नहीं सकती। तो फिर आप गलत बोल रहे हैं। ये तो आसमान से ही कुरान है ना, ये झूठी कैसे हो जाएगी? तो फिर आप गलत बोल रहे हैं। वो और बखेड़े में पड़ जाएंगे, आसमानी है या उस्मानी है वो तो विचार बाद में करेंगे, लेकिन आपने जो बोला सभी धर्म और कुरान में जो दिखाया, माननीय चौहान साहब ने अभी आपको दिखा दिया है, और वहाँ साफ अल्लाह ने फरमाया इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन को मानोगे तो हरगिज को। अच्छा आप अकील जी, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। अकील जी, अभी आपने कहा कि आप सभी धर्मों को मानते हैं और उत्तराखंड में आप शायद उत्तराखंड से जुड़े हमारे साथ, बराबर? जी जी।
तो महादेव की भूमि है, देव भूमि है, आप महादेव को भी मानते हैं ना? देखिए ऐसा है, सबके अपने अपने धर्म है। हाँ ठीक है ना, तो आप तो अभी अभी कह रहे थे कि हम सभी को मानते हैं, तो अभी महादेव को क्यों नहीं मानते? मेरी बात सुनिए, मैंने मैंने कहा मैं हम लोग सबका जो है आदर सम्मान करते हैं। हाँ। और सब सब जो है ना हमारे लिए सब बराबर है, हमने बोला ना, तो आप एक धर्म हमारे लिए बराबर है नहीं, तो आप महादेव को मानते हैं कि नहीं मानते, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं मैंने आपसे, उसमें सब आ गए ना? नहीं सब कैसे आ गए, अल्लाह और महादेव एक जैसा कैसे हो गया, दोनों अलग है? दोनों अलग है। हाँ दोनों अलग है, उसमें जो है ना अल्लाह नहीं। आप अगर पॉलिटिकल पार्टी बना रहे, आप स्कॉलर भी है इस्लाम के, तो आप कंफ्यूज क्यों है? आप हिंदू, आपका वोटर, आपका पार्टी का कार्यकर्ता क्यों बने अगर आप महादेव को ही नहीं मानते? तो मैं क्यों नहीं मानते, मैंने तो आपसे कहा कि हम सारे धर्म के लोगों को सम्मान करते हैं और सारे धर्मों का अदब करते हैं, बोला ना मैंने आपसे। हाँ यही बोला ना मैंने आपसे। तो आपका ये कहना गैर इस्लामिक है, आप इस्लाम से निकाल दिए जाओगे, ये मौलाना यहाँ पर इसीलिए बैठे हुए हैं मदनी जी। क्यों निकाल देंगे इस्लाम से जो? अच्छा आपके आपके पूर्वज कौन थे ऐसा आप मानते हैं? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ ये खाली बुझाने वाली जो बात है, यहाँ पे धर्म की जाति की चलती है ना ये, तो आप कह रहे हैं मौलाना लोग उलझा रहे हैं? नहीं तो उलझा जाए, पंडित जी भी उलझा रहे, पंडित जी तो सबूत दिखा रहे हैं। तो पंडित जी कितने साल मुसलमान रहे? पंडित जी बताए जरा। कितने साल है? दो दिन रहे, चलो मैं बोल रहा हूँ, मैं पंडित जी उलझा रहे हैं कि अल्लाह उलझाए हुए हैं? है? क्या करे पंडित जी, क्या बोल रहे हैं? कुरान में अल्लाह ने जो बात कही वो सही, आप उस कुरान पर अकीदा रखते थे नहीं, आप इस्लामिक स्कॉलर लिखते हो और मैं दावा के साथ आपको चुनौती दे रहा हूँ, आप 6 कलमा भी नहीं सुना सकते हो। सुनाएंगे आपने चुनौती दी तो अभी सुनाएंगे। अब एक कलमा सुना दीजिए जरा, अखिल जी एक कलमा सुना दीजिए। मैं कलमा में क्यों नहीं, मैं तो जानता हूँ कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इतना ही जानते हैं। अव्वल कलमा तो ये, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इससे आगे क्या है? इससे आगे क्या है? सर मत खुजाइए, सर मत। इसके आगे क्या है पंडित जी, सुनिए तो बताइए ना आगे क्या है? मुझे अगर आप जो है ना ये बताते कि भाई आप जो है वहाँ पे आपको कलमा पढ़ना है बैठ के, आपके जो चैनल वाले हैं वो तो मैं भी डिसेट करता आप कितने बैठ के पूरा, है ना? नहीं 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 नहीं, कलमा पढ़ना है। देखिए हम अखिल जी, हम आपको कोई व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर ये नहीं करना चाहते, आपके मजहब का एक भी एक्सपर्ट बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहा है, जो अपने आपको दीनी कहता है, जो अपने आपको इस्लाम का एक्सपर्ट कहता है, आप आए हमने आपको बिठाया, आपका सम्मान है, आपका व्यक्तिगत तौर पर हम कोई अपमान नहीं करें, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो अपने आपको बड़े बड़े आलिम कहते हैं वो इस डिबेट में नहीं आ रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? सोच है कि वो क्यों नहीं आ रहे जो है, आप उनके खिलाफ बोलने के लिए भी तैयार नहीं? चलिए हम आप ज्यादा उलझने के बजाय आगे बढ़ते हैं, हम आप पे ज्यादा अगले मुद्दे की तरफ बढ़कर चर्चा करेंगे। एक और वीडियो दिखाते हैं कि फैज सईद क्या कहते हैं, ये वीडियो है जिसमें इस्लामिक स्कॉलर है महाराष्ट्र के, एक ये वीडियो देखते जरा। आता है जो जन्नत के तस्करों में आता है, जिसके अंदर सूरह जो है रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर जो है 56 से लेकर 59 में, 59 में अल्लाह फरमाता है, हूरे जन्नत की जो है दूसरी नेमतों की तरह जन्नती मर्दों के लिए एक नेमत होंगी, बाज हूरे याकूत और मरजान की तरह जो है रंगत में सुर्ख होंगी, लाल रंग की होंगी, इसी तरह बेमिसाल हुस्न और जमाल के साथ साथ हूरे इफ्फत और जो है हया के अंदर बेमिसाल होंगी, मतलब बहुत इफ़त और हया के मामले में बड़ी बेमिसाल होंगी। इसी तरह आप कुरान ने फरमाया नौ इंसानी की जो है हुरों को इससे पहले, मतलब इन हुरों को इंसानों में से और जिनों में से किसी ने पहले देखा ना छुआ होगा, ठीक है, ये हुरें होंगी और ना उन्हें हाथ लगाया होगा कभी, ठीक है। इसी तरह जो है हुरें इस कदर हयादार होंगी, इस कदर हयादार होंगी कि अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे को आंख उठाकर भी कभी नहीं देखेंगे, इस कदर हयादार होंगे। इसी तरह जो है हूरें अंडे के जो है नीचे छुपी हुई झिल्ली
अंडा भी कभी आपने अगर फोड़ा होगा तो उसके अंडे के एक कवर पे झिल्ली का हिस्सा चिपका होता है, उसमें एयर रहती है हमेशा, खाली रहता है वो। अंडे का एक तरफ देखिए आप कम होता है, उसमें एक झिल्ली होती है, आप कभी देख सकते हैं अंडे के ऊपर चिपक के उबल जाए तो निकल के आती। उस झिल्ली की कदर नर्म और नाजुक होंगी वो हो रहे, इतनी सौ मतलब वो झिल्ली आपने देखी कितनी नर्म होती है नाजुक होती, उस झिल्ली की जैसी नर्म और नाजुक जो है वो हो रही होंगी उनकी त्वचा, उनका जिस्म जो बोलते हैं आजकल होता है ना, त्वचा का ख्याल रखने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है स्किन केयर के लिए। वहाँ इतनी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले से केयरफुली उनको बनाया है मोमिनों के लिए कि वो इतनी नर्म और नाजुक कि वो अंडे की झिल्ली जो है उस जैसी वो जो है बनी होंगी हूरों के ताल्लुक से जो कुरान पर। महेंद्रपाल आर्य जी, यही हूरों के चक्कर में तो ये लोग आतंकवादी बनते हैं कि जन्नत में जाना है, जन्नत में जाएंगे तो ये सब मिलना है, और जन्नत में जाएंगे किसी का गर्दन अलग करो तो जन्नत में जाओ, सीधा बगैर टिकट लिए जन्नत पहुंच जाएंगे। इसीलिए तो ये सारा मार काट मैं पूछ रहा हूँ, ये सब अल्लाह का फरमान है, अल्लाह कह रहे हैं, वो अल्लाह झगड़ालू है क्या है, अगला दंगा कराने वाला है क्या है, अल्लाह है क्या जो मानवता पर कूठा लगा करे अल्लाह। अच्छा आप एक मिनट, ये बड़ी खतरनाक बात बोल रहे हैं कि आपने हालात से आतंकवादी बनते हैं, तो आप क्या हालात पैदा हो गए तब आप आतंकवादी बन जाएंगे अखिल जी? इस्लाम जो है, इस्लाम में कहीं तालीम नहीं दी जाती कि आप जो है इस्लाम पढ़ने के बाद आप आतंकवादी बनो, आप जो बेकसूर लोगों की जान लो, ये कहना बिल्कुल गलत है। और ये जो पंडित जी बोल रहे हैं जो है कि ये पहले जो है मौलाना ये सिखाते हैं, देखिए अभी अभी नहीं नहीं अभी उस पर बहुत उलझते नहीं क्योंकि इनका इस्लाम का ये समझ में आ गया है। मैं एक ही प्रश्न आपको पूछता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, अखिल जी आपको हुरे चाहिए कि नहीं? चाहिए ना, मतलब इनको भी हुरे चाहिए, कैसे मिलेगी इनको पता नहीं है लेकिन इनको भी चाहिए, तो ये आकर्षण है। और ये आकर्षण कैसे पैदा किया जाता है, थोड़ा जल्दी से एक और वीडियो दिखा लेते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद पाकिस्तानी इस्लामी स्कॉलर, जन्नत में डेटिंग पेंटिंग और रिपेयरिंग होगा ये भी बता रहे हैं, मतलब वहां क्या होगा सुन लीजिए। अखिल जी कैसी चाहिए च्वाइस कर लीजिए, तब तक रिश्ता जन्नत में भी किसका होगा? अब लोग घबरा जाते हैं बात सुन के, लोग कहते हैं यार ये वाली अगर वहां भी मिलेगी तो फिर जन्नत किस काम की होगी? तो आपको भी तो वही उसको भी तो वही वाला मिल रहा है पुराना वाला मियां, तो जब वो सबर करेगी तो मेरे भाई आप भी क्या कर लेना, सबर कर लेना। एक खातून का मियां अजीब सा था ना, उसने मुझे फोन किया, बेचारा कहीं शादी हो गई उसकी किसी आड़े तिरछे से आदमी से, तो पहले मैं बहुत फोन उठाया करता था, तो खातून कहने लगी मुफ्ती साहब हम तो सबर कर रहे हैं अपने मियाँ के साथ, पर्सनैलिटी नहीं है, तो क्या जन्नत में यही वाला मिलेगा? मैंने कहा बिल्कुल यही वाला मिलेगा, ये तो रिश्ता जब हाँ उसके मरने के बाद कहीं और शादी हो जाए किसी खातून की तो जो आखिरी वाला होता है वही मिलता है ना, तो मैंने कहा यही वाला मिलेगा, तो कहने लगे हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं इसको जन्नत में ये, कि मैंने कहा रिपेयरिंग के बाद मिलेगा, ये इस डिजाइन में नहीं होगा, इसका डेंटिंग पेंटिंग का काम होगा, इसके जितने खड्डे हैं वो पहले फिलिंग होगी, जैसे गाड़ी जाती है ना जितने खड्डे हैं फिलिंग होती है, भराई होती है, डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, कलर पूरा कंपनी चेंज कर देती है, तो मैंने कहा डेंटिंग पेंटिंग के बाद मिलेगा, इसकी भराई होगी, कलर चेंज होगा, पूरा तैयार किया जाएगा, जो जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ना इसके अंदर वो भी सारे क्या हो जाएंगे, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट दूर अक्सर नहीं होते, तो आप परेशान ना हो टेंशन ना हो, ये डिजाइन चेंज होके मिलेगा आप, फिर थोड़ी उस बिचारी को तसल्ली हुई। महेंद्रपाल आर्य जी लेंडिंग पेंटिंग पे कमेंट लेके मैं अगली प्रश्न की तरफ जाऊंगा क्योंकि अभी समय कम बचा है। हाँ आपको बता रहा हूँ, मैंने इसी मसूद को बोला, इसके वीडियो का जवाब मैं ये दिया कि बिल्कुल मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि वो डेंटिंग पेंटिंग करके खड्डा भर करके मिलेंगे, लेकिन वो खड्डा भरने वाले या गड्ढा भरने वाले डेंटिंग पेंटिंग करने वाले कौन है, अल्लाह है या किसी और से कराएंगे, इसका जवाब ये नहीं दे पाया, इसी का ही जवाब ये नहीं दे पाया, और मुझे आपने चैनल में ब्लॉक कर दिया। अच्छा कहने का तात्पर्य ये है, एक क्योंकि एक प्रश्न आ रहा है, मैं थोड़े लाइव के कुछ प्रश्न लेता हूं फिर कॉल भी लेंगे, और अखिल जी आपका भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न ये है कि जन्नत मिलेगी किसे? हुरों में अभी हम ज्यादा नहीं फंसते क्योंकि आपको और मुझे तो हुरे मिलनी है ही नहीं, तो इसलिए हम उसमें ज्यादा नहीं फंसते, आगे बढ़ते कि जन्नत किसे मिलेगी, इस्लाम में कुल कितने फिरके हैं और उनमें से किसे मिलेगी, ये प्रश्न पूछा गया राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने। महेंद्रपाल आर्य जी उत्तर।
मैं आपको सुबह जो लेख भेजा उसमें पहला ही है सूरह बकरा आयत नंबर 24। हाँ। वबशिरिल्लदीना आमनु वामिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक मिन्हा मिन समरति रिज़्कन क़ालु हाज़ा लज़ी रुज़िक्ना मिन क़ब्लु वउतु बिही मुतशाबिहा وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ। अल्लाह ने सूरह बकर में ये बशारत दिया, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, बशारत है उनके लिए जो ईमान लाने वाले हैं, बेईमान यानी गैर ईमान वालों को मिलना नहीं है, ईमान लाने وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, और जिन्होंने नेक अमल किया उनके जन्नत में उनको दाखिल कराया जाएगा, जिनके नहर जारी है जिनके नीचे। नहीं, उसमें भी कुछ जो अलग अलग फिरके हैं उन फिरकों में भी एक ही फिरके को मिलेगा, ऐसा कुछ है ना? हाँ 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 बिल्कुल, उन फिरके में से ये कितने कुल 73 मिले, ये जितने नहीं नहीं फिरके कितने हैं, फिरके कितने हैं? 73 कयामत तक होना है, मतलब 73 जातियां ऐसा मैं कहूं? हाँ ऐसा ही है। हाँ। लेकिन उसमें उसमें जन्नती केवल एक होंगे। हाँ। वो कौन होगा? कौन होगा वो? कौन होगा? कौन होगा? किसी किसी को भी नहीं मालूम, सब हकदार हैं लेकिन पता किसी को नहीं। हाँ देखिए, यही तो सारा देखे नहीं, पहले जो दिखाया अभी 24 आयत नंबर 24 सूरह 2 का, दो का आया 24 जो आपने दिखाया अभी, उसी में ही तो ये कहा गया कि उनको मिलेंगे। किनको मिलेंगे? सूरह 2 का 24 दो का, हाँ यही देखिए, अब इनके है ना भी, उन लोगों को शुभ सूचना दो जो ईमान ले आए और सदाचार करे कि उनके लिए ऐसे जन्नत हैं जिन जिसमें नहरें जारी रहेंगी, नहरें बह रही होंगी, जब उनका कोई भी फल उन्हें दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही है जो इससे पहले हमें दिया गया था, उन्हें समरूप फल दिए जाएंगे यानी मुतशाबिह बराबर जैसे एक जैसा देखने में, तथा उनके लिए उनमें निर्मल पत्नियां होंगी और उनमें उनकी सदाचार उनके सदावासी होंगे, उनके निर्मल पत्नियां। अच्छा, पत्नी शादी किए बिना पत्नी कैसे हो जाएंगे? तो शादी कराएंगे कौन? क्या अल्लाह शादी कराएंगे उन हूरों से या किसी और फरिश्ते से अल्लाह शादी कराएंगे? इसकी भी चर्चा कहीं नहीं है संपूर्ण कुरान में। चलिए, तो शादी किए बिना पत्नी कहना किसको कैसे संभव होगा? किसी को शादी किए बिना, शादी कराए बिना पत्नी कौन किसी कैसे हो जाएगी? चलिए, एक प्रश्न यहां पर मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूं। अब कई लोग ऐसा पूछ रहे हैं, मैं अपना उत्तर देता हूं फिर आप भी दे दीजिए। प्रश्न में यह कहा गया है कि जन्नत और स्वर्ग इन दोनों में क्या अलग है और क्या समानता है? मैं अपना मुझे जो मेरे जितना जानकारी है मैं ये कहता हूं कि स्वर्ग पूर्णतः सात्विक है, उसमें कोई तामसी बात नहीं कही गई है। ये स्वर्ग और जन्नत में फर्क है ऐसा मुझे लगता है। वहां पर शराब की नदियां, दूसरी की बीबियां या ऐसी किसी बात की कोई लालच नहीं दी गई है। पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, थोड़ा आप समझाइए, स्वर्ग और जन्नत में फर्क समझाइए। स्वर्ग और जन्नत में फर्क इतना है कि हमारे यहाँ पर स्वर्ग कहा गया है सुख को, जहां हाँ। पर सुख है वो स्वर्ग है। हाँ, तो मरने के बाद वाली जिंदगी में नहीं है, सुख दुनिया में मिलना है, जिस घर में जिस परिवार में जितने मेंबर रहते हैं एक दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव बरते, सद्भावना हो, एक दूसरे के हमदर्द बने, वो घर स्वर्ग है। इसीलिए तो बहुत सारे कवियों ने भी लिखा है, एक बंगला कवि ने तो मुसलमान है वो यहाँ तक लिखा है, कोथा है स्वर्ग कोथा है नरक के बोले तब बहु दूर, मनुष्य मजे स्वर्ग नरक मनुष्य तो सूरत, कौन कहता है स्वर्ग दूर में है? इसी इंसानियत में स्वर्ग है, जो व्यवहार अपना स्वर्ग वाला रखेगा उससे घर के परिवार के सारे लोग सुखी होंगे, वो घर स्वर्ग है। मौत के बाद वाली जिंदगी को देखा किसने?
और इन्होंने तो केवल जन्नत है या हूर है, ये है या है, यह है या कहाँ है, बोले जन्नत में है। तो वो जन्नत कहाँ है, वो मिलेंगे कहाँ, और मरने के बाद। आज तक किसी ने देखा नहीं, ये केवल ख्याली जिंदगी में बहक रहे हैं मरने के बाद। मुझे लगता है एक बार हम एक विशेष एपिसोड करेंगे शास्त्रार्थ के, धर्मशास्त्र के अनुसार स्वर्ग और जन्नत में क्या फर्क है। आगे बढ़ते, शेख मेराज रब्बानी पाकिस्तानी मौलवी हैं, जन्नत में 70 कपड़े पहनी होगी, क्या कहते हैं सुन लीजिए। रब्बानी पाकिस्तानी है, दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। तुम यहां मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना, कहते हो आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तैयार की हुई और तुम खुजड़ों तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से एराज करते हो, देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल ना लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके, बस बकिया तैयारी किसके लिए करो, उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी और उनकी और उनके और हर बीवी जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े, 70 जोड़े कपड़े के, वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गांव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों में, उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा, इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से गूदे कैसे नजर आएंगे, बड़ी अश्लील बात है इसलिए इसको रोकते हैं, लेकिन इसमें 70 में भी गड़बड़ी है। ये 70 कह रहा है तो अगला 70,000 कह रहा है, कौन सही है पंडित जी को पूछेंगे पहले। 70,000 वाले का वीडियो देखते हैं, मेराज रब्बानी क्या कहता है। 70,000 जो जन्नत के अंदर एक मुत्तकी इंसान को दी जाएगी, 70,000 जोड़े पहने होंगी। तुम क्या पहनाओगे अपनी बीवियों को, बहुत कुछ पहना दिया तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा कपड़ा पहनाओगे कि कपड़ा पहनने के बावजूद सिर्फ उसके जिस्म के अंदर की खाल दिखाई दे सकती है। बस जन्नत के अंदर हूर को जो कपड़े पहनाए जाएंगे उनकी तादाद 70,000, और 70,000 कपड़े पहनने के बावजूद उन कपड़ों के अंदर से उस हूर की पिंडली, ये पिंडली होती है, ये पिंडली, और इस पिंडली के अंदर भी आप दबाकर देखेंगे तो एक हड्डी मिलेगी आपको, हड्डी बून बोन, ये हड्डी। 70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों, उन हूरों के पैरों की पिंडली, पिंडली की हड्डी, और उस हड्डी के अंदर जो मक्स जो गूदा होता है वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा, लेकिन उसको जिसको वो हूर मिलेगी उसको। उन हूरों की तलाश में घूमो यार, इनके पीछे फिरते हो जो नाक झाड़ दे तो देखी ना जाए, इनके पीछे अपनी जिंदगी तबाह करते हो और इबादतें बर्बाद करते हो, जिनको थोड़ी सी खांसी हो जाए तो डर लगता है कि कोरोना ना हो जाए। आज तो औरतें बड़ी गाली दे रही होंगी, मौलवी हमारी खिंचाई कर, उन हूरों को पाने के लिए हुदल लिल मुत्तकी। आपकी बीवियां भी आपको मिलेंगी, और हदीस में यह भी आता है कि आदमी अल्लाह पूछेगा बीवी चाहिए, कहा अल्लाह दुनिया में तो भुगत के आया हूं, यहां क्यों दे रहा है। अल्लाह कहेगा अच्छा ठीक, इसकी बीवी ने भी नेक अमल किए थे, ये भी जन्नती है, जाओ इसको भी। अब वो सोच रहा होगा इधर भी खिचखिच खिचखिच ना हो, दुनिया में तो बड़ी खिचखिच खिचखिच करता होती थी,
लेकिन जब अल्लाह कहेगा पर्दा हटाओ, जब उसकी बीवी का पर्दा हटाया जाएगा तो वो जन्नत की हूर से भी ज्यादा खूबसूरत उसको नजर आएगी। मैं जरा दर्शकों को बताऊं कि ये जर्जिस यूपी के इटावा का है और ये कहता है कि ये बीवियों के चक्कर में और यहां लड़कियों के चक्कर में क्यों पड़े हो, हुरे के पीछे पड़ो, और खुद बलात्कार के केस में जेल में बंद है अभी भी। तो ये यहां बलात्कार कर रहा है, दूसरों को कहता है कि लड़िए पत्नी के, पत्नी तो नहीं खैर वहां बीवी कहते, बीवी के पीछे मत पड़ो। मेरा अकील जी के लेकर एक प्रश्न है, अकील जी बड़ा सिंपल प्रश्न, क्योंकि आपने बाकी चीजें नहीं पढ़ी। ये आपको हुर तो चाहिए, लेकिन 70,000 कपड़े उतरने में आपका कितना समय चला जाएगा अकील जी? 70,000 कपड़े उतरने में तो बहुत टाइम जाएगा ना। देखिए ये सब चीजें जो है ना, हाँ, अभी आपने बता दिए जो मौलाना है जो बोल रहे थे ये रेप के केस में है, हाँ, जेल के अंदर है जो है ना, हाँ, ये तो बता रहे हैं आप। हाँ देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे मौलाना जो है ना, ये सारे मौलाना जो है चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैं बस आपको बता रहा हूँ, आपको जो कहना, आपको हुरे चाहिए और भाभी जी सुन रही होगी, कितनी भाभी है हमको? नहीं वो तो देखिए वो तो इस्लाम में है। आपको आपको कितनी कितनी बीवियां हैं? नहीं मेरे से एक ही बीवी है। अच्छा अच्छा ठीक है, वो मेरे लिए काफी है। हाँ तो वो देख रही होगी, तो थोड़ा सोच समझ कर हूरों के बारे में बोलिए। एक और वीडियो दिखाते हैं कि मेराज रब्बानी क्या कहता है, क्योंकि आज मेरे पास पाकी और विशेष बात है, जहां आटा नहीं है लेकिन हुरों की वहां पर कल्पनाओं के लंबे चौड़े वीडियो आपको मिलेंगे, पाकिस्तानी एक और वीडियो। लेकिन मौजूदा साइंस, मौजूदा दुनिया ने हर चीज हमें यकीन, ये सब यकीनी सतह पर ले आए हैं। वो मियां आप एक्सरे मशीन के टेबल पर लेटते हो कपड़ा पहन करके, हैं? तो आपकी हड्डियों तक के गुदे तक देखते हैं, दिखाई देते हैं कि नहीं देते? जब इंसान की बनाई हुई ये अक्ल इतनी तरक्की कर सकती है कि तुम हजार पर्दों में बैठे हुए उस तुम्हारे पेट की तमाम सब चीजों को वो एक्सरे मशीन बता देती है, तो वो खालिक कायनात जिसने इस इंसान को बनाया है, उसके दिमाग का और उसके उसकी खिलकत का, उसकी तखलीक का क्या कहना है? समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीन की यकीनन वाकई सच है। और तुम्हारा आईना क्या होगा मालूम है? शीशा जिसमें तुम अपने चेहरे देखते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस हूर जो बीवी है ना तुम्हारी, उसका दिल, उसका जिगर तुम्हारा आईना होगा और तुम्हारा जिगर उस हूर का आईना होगा। वो तुम्हें देखकर सजे संवरेगी और तुम उसे देखकर सजोगे और संवरोगे। जन्नती भी जब भी रुख फेर कर उसकी तरफ देखेगा, उसकी आंखों में 70 गुना हुस्न ज्यादा पाएगा। अभी बैठ के वो देख रहा है, फिर इधर फेर करके फिर जब दोबारा देखेगा, 70 गुना दुगना हुस्न उसके अंदर पाएगा। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरे मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100-100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। गुलाम अकील जी, अकील जी का चेहरा दिखाइए जरा, अकील जी, अकील जी का चेहरा दिखाइए। अकील जी खुश हो गए, देखिए अभी हंस रहे, पूरे शो में इतने खुश नहीं थे जितना इस वक्त खुश है। चलिए देखिए सच में हंस लिए। अगला वीडियो देखते हैं, ये भी पाकिस्तानी मौलवी है, ये कह रहा है सभी सुविधाएं जन्नत में मिलेगी, उत्तम दर्जे की शराब भी होगी। शराब, शराब भी स्वर्ग में नहीं है, ध्यान रखना। शराब मुंह में गया तो फौरन अंदर डॉक्टर कहते हैं चबा चबा के खाओ, कौन चबाइंदा सारे घड़प घड़प ही कर देना, रुक नहीं सकता लुकमा, रुक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जन्नत ये लुकमा मुंह में डाला और इसने मजा देना शुरू किया, मेरे रब की कसम
इसको हजार साल मुंह में रख कर इसका मजा लेते रहो, ये हर लम्हे में नए मजे देगा, अंदर नहीं जाएगा जब तक तुम्हारा इरादा नहीं होगा, और हर मर्तबा में लज्जत बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। यहाँ इफ्तारी में पीने का सामान होता है, गर्मी है, खाया नहीं जाता, वो खाया जाए तो पिया नहीं जाता। मेरे रब ने जन्नत में शराब के भी जाम सराहियाँ भर दी, कभी पानी, कभी दूध, कभी शहद, कभी शराब, सबसे आला दर्जे की शराब है रहीक, रहीक यस्कून मिन रहीक। ये जन्नतुल फिरदौस में खालिस पेश की जाएगी, और नीचे वाली जन्नतों में थोड़ा चंद कतरे डाल के दिए जाएंगे, फिर फिरदौस वालों को खालिस पेश है, खालिस। और नीचे वाली जन्नत का मंजर है यशरबून मिन कासिन कान मिजाजहा काफूरा, जन्नती खुद सुराही उठाता है और डालता है और पीता है, इसको पिलाने वाले भी नौकर होंगे, गुलाम होंगे, लेकिन अल्लाह तीन दर्जों का फर्क बताना चाहता है, लिहाजा ताबीर में फर्क ले आए। नौकर हर जगह है, सबसे अदना दर्जे के जन्नती के 80,000 नौकर होंगे, 80,000 100 महल, दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत, सबसे छोटे दर्जे का जन्नती होगा जो हजारों साल जहन्नम में जलने के बाद मेरे नबी ने फरमाया उसका नाम होगा जुहैना, उसका कबीला होगा जुहैना, और मैं उसे जहन्नम से निकलता देख रहा हूं, वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा। यहां तो मुंह में पंडित जी के पास चलते, पंडित जी शराब इस्लाम में तो जायज नहीं है ऐसा मैंने सुना था, हराम है हाँ। तो यहाँ हराम है और वहां पर कैसे ओ हलाल है? हाँ कैसे है, हलाल हो गया। मैं बोला कि शराब लिखने में 4 हुरूफ लगते हैं और शरबत लिखने में भी 4 हुरूफ लगते हैं। हाँ भाई, ये शराब को वहां अगर शरबत कह देते अल्लाह तो क्या बिगड़ जाता पता नहीं। अब यहाँ वो यही तारिक जमील खुद कह रहा है, वहां तो अल्लाह डाल डाल करके पिलाएंगे। एक जन्नत के तबके, 3 तबका बोला ना, एक तबका वो होगा जो नौकर चाकर पिलाएंगे अपने हाथ से पिएंगे, और एक तबका वो होगा जो अल्लाह खुद डाल करके पिलाएंगे। और केवल शराब नहीं, वला हमितरिम मिम्मा यश्तहून, वहां शराब के बाद कबाब भी है, परिंदों का गोश्त का कबाब मरगूब कराया जाएगा, और फिर शबाब भी है, यानी शराब कबाब और सबाब, ये तीनों चीज अल्लाह मुहैया कराएंगे, अल्लाह ने वादा किया है मुसलमानों से। मेरा कहने का मकसद और उद्देश्य ये है, ये मिलेंगे कहां? जन्नत में। देखा है तो किसी ने नहीं, तो तुम जैसे बोल रहे हो लग तो रहा है कि भाई देख करके आए अभी, और देखने का सवाल केवल किताबी जमा खर्च है, केवल कुरान में और हदीसों में ये वर्णन किया गया है, कुरान में वर्णन करने वाले अल्लाह है और हदीसों में वर्णन करने वाले नबी है, तो अल्लाह और नबी दोनों ने ये वादा किया है मुसलमानों से कि ईमान ले आओ तब मिलेंगे, ईमान लाए बिना नहीं, आपको मुझे नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना आप जा पाएंगे ना मैं जा पाऊंगा। अरे जाना ना जाना ये तो है ही नहीं वहां, ये तो ख्याली जिंदगी मैं बोल रहा हूँ, स्वर्ग का परिभाषा ये जानते ही नहीं आप, ऐसा कह के अकील जी की भावनाओं की ये कह रहे हैं, मतलब उनकी आओ इच्छा पाले हुए और आप ऐसा कह रहे हैं। चलिए एक और वीडियो देखते हैं कि अहमद अली, हम लोग लालची है, हरे हुरे दिखेंगे तो कहेंगे हाँ यही दे दो। आज थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं मैं समय को, सामान्यतः मैं बिंदास का समय एक्सटेंड नहीं करता, लेकिन आज पूरी बात होनी चाहिए, दिखा दीजिए जरा। में हम जब जन्नत में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो सब लोग हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी, हूर 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 तो सुन समझते हो ना, आप लोग तो मेरे को अटैक आवे ऐसा करोगे काम, हूर तो समझते हो ना, हम जन्नत में जाएंगे तो हूर खड़ी होगी और अल्लाह कहेगा ये तेरी हूर है, यू लाइक? हम कहेंगे यार बिल्कुल नो प्रॉब्लम। तो हम जब उसके पास जाएंगे तो अल्लाह कहेगा मेरा बंदा बीवी को बुलाओ, तो कहेगा नहीं अल्लाह परनाम बट में 50 साल तो निकाले, अब कितने साल और निकालने के अल्लाह, ओ वो बराबर है। फिर अल्लाह दूसरी मतलब आप पूछेंगे बीवी को बुलाओ, कहेगा अल्लाह
खास काम भी नहीं है, कोई काम है भाई, काम नहीं है। फिर अल्लाह तीसरी मरतबा कहेंगे बीवी को बुलाओ, अब वो अल्लाह बार बार पूछेंगे तो कहेगा अल्लाह जब तू कहता है तो बुला ले, बाकी मेरे को कोई जरूरत नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को कहेंगे पर्दा उठाओ, पर्दा उठाओ, इसकी बीवी को सामने लाना है, पर्दा उठाओ। और अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, जो खूबसूरती मैंने हूर को दी होगी उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह हमारी बीवी को खूबसूरती अता करेगा। बीवी आएगी, हम लोग इतने लालची है ना, जब देखेगा ये तो हूर से भी ज्यादा खूबसूरत है तो कहेगा अल्लाह ये बराबर है। तो अल्लाह कहेंगे अभी तो मना कर रहा था, तो कहेगा अल्लाह और तो परनाम बट में 50 साल तो गुजारा और गुजार लूंगा इसके साथ। आ जाओ पॉइंट पे, आ जाओ पॉइंट पे, आ जाओ। फिर एक मरतबा बोलो ना, आज हमको कितने काम करने हैं। पहला काम, पहला काम, साथ में बोलो, डरना तो किससे डरना, किसको राजी करना, हाँ करने धरने वाला को पूरा मजमा एक मरतबा साथ में बोलो। मैं एक साथ प्रतिक्रिया लूंगा, एक और वीडियो दिखा लेते ताकि हम चर्चा को आगे बढ़ा सके। क्या कहा इसमें देख लीजिए। एक बार आदमी ने पिया या खाया, उसको एक टेस्ट आएगा, अगली बार खाएंगे तो बोलेंगे इसका टेस्ट अलग, लेकिन ये वो शराब नहीं है, और उन शराब में भी मुख्तलिफ किस्म के महक होंगे, उसमें भी सेंस टेस्ट डाले जाने अलग, समझ रहे हैं बात। इसको सर्च कर सकते हैं, इसमें म्यूजिक के कारण दिखा नहीं पाएंगे। मित्रों आपके पास भी इस प्रकार के वीडियो है तो हमारे साथ साझा करिए। अभी कार्यक्रम के अंत में मैं प्रतिक्रिया लेता हूं पंडित जी की। पंडित जी आखिर इतनी वासनाओं की बातों को क्यों कहा गया है, हर बात में वासना, हर बात में वासना। मैं यही गुजारिश आपसे तो कर ही रहा हूं कि ये सारा बशारत अल्लाह की दी हुई है, ये प्रतिश्रुति अल्लाह की दी हुई है। अगर अल्लाह ये प्रतिश्रुति ना देते होते तो फिर कोई मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं था, कोई आतंकवादी बनने के लिए तैयार नहीं होता। और एक आतंकवादी अभी पिछले दिन आदिल नाम पड़ा था उसका, जो मुसलमान था, ये हिंदू था मुसलमान बन गया और फिर आतंकवादियों में जा मिला। उसके भाई ने, उसके बाप ने बोला कि इसको मारो चाहे कुछ करो, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अभी आंखों देखा हाल में बता रहा हूं। खैर, तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ये सारे मौलाना ये कह रहे हैं ना, उन पर पर्दा उठाएंगे, उनसे पर्दा उठाएंगे, उनसे पर्दा उठाएंगे। लेकिन आपका एक चैनल, एक ऐसे चैनल है जो संपूर्ण भारत में ही नहीं विश्व के आंगन में इस्लाम का पर्दा उठाने में हम सब मिलकर लगेंगे। ये उन हूरों की पर्दा उठा रहे हैं, हम यहां पूरा इस्लाम के पर्दा उठा रहे हैं। हम तो सच्चाई के खोज में हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि आप सच्चाई के खोज में लगे रहो। हम तो सच्चाई खोज रहे हैं, और ये सच्चाई खोजने में मुल्ला मौलवी आलिम हमारी मदद करे ऐसा हम चाह रहे थे, और इसलिए चर्चा को बुला रहे थे। हम उनको बुलाने का क्रम समाप्त नहीं करेंगे, और इसलिए एक अंतिम प्रश्न आपसे, क्या अभी जन्नत की कल्पनाओं में कुछ और रह गया है? जन्नत में बहुत बड़ा प्रकरण है, 96 जगह में जन्नत के वर्णन है, और जन्नत को इसी तरीके से बना बना करके, जैसा आपने हर एक वीडियो को दिखाते दिखाते, ये नहीं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं, सारे मौलाना यानी पाकिस्तानी मौलाना और जहां वो को भी इस्लामिक स्कॉलर है, ये तो बेचारे इस्लाम को जानता ही नहीं है, लेकिन विशेष बात यह है कि मैंने आज जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी, मैं भी रिसर्च कर रहा था, तो हमने देखा कि इंग्लिश में भी, अमेरिका में भी जो दे रहे हैं और अमेरिकन से और इस्लामी बन गए हैं, वहां के मौलाना, यूरोपियन मौलाना, अफ्रीकन मौलाना भी यही बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल पाकिस्तानी बोल रहे हैं। हाँ, तो इसी लोभ और लालच, जो जन्नत का लोभ और लालच दिखाया गया है, दिखाया है अल्लाह ने, हाँ अल्लाह का दिखाया हुआ है। अब पता ये नहीं है कि अल्लाह किसी को लोभ और लालच क्यों दे, ये अल्लाह का काम है, लेकिन हमारा परमात्मा का काम ये नहीं है। परमात्मा कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि तुम हिंदू बन जाओ या आर्य बन जाओ तो ये मिलेगा वो मिलेगा, ये देंगे वो देंगे करेंगे, नहीं। सवाल ही पैदा कर्म के आधार पर, हमारे कर्म के आधार, अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम,
अवश्य ही भोगना है कि वे कर्मों का फल, और वो फल जन जन्मांतरों से आ रहा है, प्रारब्ध आकर के जुड़ता है। कब किसका प्रारब्ध जुड़ेगा ये कोई नहीं बता सकता। ये है जो मैं कल आप आचार्य कह रहे थे, आज मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ। हाँ। माननीय चौहान साहब, हाँ ये देखिए, ये मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का स्नातक हूँ। हाँ थोड़ा दिखाइए, वाइड वाइड फुल विंडो दीजिए, फुल विंडो दीजिए आचार्य जी की। हाँ हाँ हाँ, ये गुरुकुल इंद्रप्रस्थ नहीं, हमें आचार्य कह के संबोधित किया है। हाँ 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 हाँ, कल 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 मैंने आपको कहा था। हाँ जी, इसी गुरुकुल का मैं स्नातक हूँ। चलिए, तो मेरे मुंह से ये ईश्वर ने कहलवाया था। तो मेहरबानी आपकी। नहीं नहीं, आप आपका जैसा विद्वान मैंने पूरे विश्व में नहीं देखा है। कई विद्वान होंगे लेकिन मैंने जिनसे मिला हूं और जो मुझे विद्वान लगे, मैं ऐसे कई एक्स मुस्लिम से प्रभावित हुआ, वो सारे आपके चेले निकले। तो आपका आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अकील जी। 40 साल से काम कर रहा हूँ, 40 साल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल अकील जी, आप जरा महेंद्रपाल आर्य जी को अपना गुरु बना लीजिए। ये तो गुरु जो है आपके गुरु हैं। हाँ, तो आपको मौलाना चाहिए 72 हुरे वाले। ये भी तो मौलाना रहे। चलिए अकील जी, आप पर ज्यादा इमोशनल अत्याचार नहीं करते, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, और आपका भी धन्यवाद। हम पुनः कल मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम जल्दी ही एक विशेष एपिसोड प्रतिदिन, मैंने कल भी कहा था कि बिंदास में तो मैं प्रतिदिन यही विषय वर्षों वर्ष नहीं चला पाऊंगा, लेकिन एक अलग से समय पर हम प्रतिदिन 12 महीने ये चलाने की दिशा में एक प्लान कर रहे हैं। अगर आप समय दे सकते हैं, आपका इनपुट दे सकते हैं, तो अवश्य दीजिए। उस कार्यक्रम का नाम क्या हो ये भी आप हमको लिख कर भेजिए। आज का पोल देख लेते हैं कि इस वक्त कार्यक्रम में आप लोगों ने क्या कहा आज का। हालांकि कार्यक्रम का प्रारंभ ही आज इतना हाई पोल के साथ हुआ है, लेकिन फिर भी एंड क्या है देख लेते हैं। 99% में, या फिर आपको कहूं कि 1% से भी कम हो सकता है, लेकिन हम एक के रेशो में काउंट कर रहे हैं। हो सकता है 99.9 हो, लेकिन ये रेशो जो है वो हम एक में काउंट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका प्रयास है हमारा कि हम थोड़ा और ज्यादा पर्टिकुलर जाएं इस पोल में, पोल करने के लिए और इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए और इतने बड़े पैमाने पर इसको देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इनका नहीं करूंगा, इनको दिखाइए क्योंकि आ नहीं रहे हैं, हमने इनको बिठा के रखा है। इनके चेले चपाटे इनको ये कहें कि मौलाना जी आप जा क्यों नहीं रहे हैं, हमने इनको बड़े सम्मान के साथ एक चेयर पे बिठाया है। कल कोई ये नहीं कहेगा कि हमें इनको हमारा पक्ष सुना नहीं गया, तो ये सुन लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। 70,000 जोड़े पहने हम तो सबर कर रहे हैं अपनी मियां के साथ, पर्सनैलिटी नहीं है, क्या जन्नत में यही वाला मिलेगा? कभी किसी इंसान ने या जिन्न ने चखा भी नहीं होगा। बाज़ हुरे याकूत और मरजान की तरह जो है रंगत में सुर्ख होंगी।